नमस्कार दोस्तों, रहस्य हिंदी में आपका स्वागत है। वैसे तो इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की सीमा अनंत है, परंतु खगोलविद इस यूनिवर्स को खगालने में लगे हुए हैं। हाल ही में लीगो तथा वर्गो के वैज्ञानिकों ने ऐसी ही रहस्यमयी वेव्स को डिटेक्ट किया है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम ग्रेविटेशन वेव्स यानी गुरुत्वीय तरंगों का जिक्र करेंगे। इन तरंगों को हाल तक केवल कल्पित यानी इमेजिनरी वेव्स ही माना जाता था। पहली बार 1916 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनकी एग्जिस्टेंस को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्वीकार भी किया था, परंतु आइंस्टीन की मौत के बाद ये तरंगें फिर रहस्य बन गईं। 3 अक्टूबर 2017 में ग्रेविटेशनल वेव पर लीगो के तीन वैज्ञानिक सी वेरिस के पेस थॉर्न तथा आर वीस को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वैज्ञानिक आर वीस के अनुसार यूनिवर्स के रहस्यों को जानने के लिए यह एक नई विंडो होगी जिसके द्वारा ब्लैक होल्स के अंदर भी झांका जा सकेगा। अगर यह संभव होता है तो यूनिवर्स को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। क्या ये वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंगों जैसी होती हैं? नहीं दोस्तों, ये वेव्स कॉस्मेटिक मटेरियल वेव्स हैं जिनकी उत्पत्ति ठीक तालाब में पत्थर फेंकने जैसी रिपल्स के रूप में होती है। तो दोस्तों, कहां से उत्पन्न होती हैं ये तरंगें? लीगो के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तरंगें दो ब्लैक होल्स, सुपरनोवा तथा दो न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से पैदा होती हैं। 14 सितंबर 2015 में लीगो के वैज्ञानिकों ने 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर दो ब्लैक होल्स की कोलिजन से उत्पन्न हुई इन तरंगों का डिटेक्शन किया। 27 सितंबर 2017 को लीगो ने चौथा डिटेक्शन भी ग्रेविटेशन वेव्स का किया है जो दो ब्लैक होल्स के मर्जिंग से उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, विज्ञान को एक नया आयाम मिल गया है जिससे विस्मयकारी अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों को जाना जा सकेगा। तो कैसा लगा हमारा एपिसोड? इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।